यामिनी यार, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ अनदर दिवाली मेकअप लुक। और उसके लिए मैंने ये स्मोकी आईज मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप ब्लैक कलर की गाउन, ड्रेस, साड़ी वगैरह पहन रहे हैं तो उस पर इस लुक को वेयर कर सकते हैं। ये दिवाली स्पेशल मेकअप लुक है, लास्ट टाइम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियोस से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। तो ये नो फाउंडेशन मेकअप लुक है और बहुत ही लाइट मेकअप है। जिन्हें ज़्यादा हेवी मेकअप करना पसंद नहीं है उनके लिए मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कि बहुत ईजिली और क्विक मेथड से आप इस मेकअप को कर सकते हो। बिगनर फ्रेंडली मेकअप है। सो चलते हैं वीडियो में, देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसे दिवाली पर ही वेयर करें, शादी सीजन आने वाला है तो आप चाहें तो उस पर भी इस मेकअप को कैरी कर सकते हैं। देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, ये है गुराबी का, तो स्प्रे फॉर्म में है तो इसे मैंने यूज़ किया है, स्प्रे कर लिया है और नॉर्मली इसे ड्राई होने दिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का ग्रीन कलर का प्राइमर और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, थिक फॉर्मूला है, आपको कलर कैरेक्टिंग भी कर देता है। आप चाहें तो सिंपल सा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन के बाद भी इस मेकअप को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ की है गार्नियर की बेबी क्रीम, सो ये काफ़ी अल्ट्रा अफोर्डेबल है, इसे एक ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो फाउंडेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ही लाइट मेकअप किया है मैंने ताकि ज़्यादा चीज़ें आपको ना अप्लाई करना पड़े। बिगनर फ्रेंडली मेकअप है तो बिगनर इजीली इसे अचीव कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्लेंडर की जगह हाथों से भी अपने बेबी क्रीम को ब्लेंड कर सकते हैं, या आप चाहें तो पोन्स की कोई भी आपके पास इंडियन ड्रग स्टोर ब्रांड की बेबी क्रीम है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसीलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मीनाओ जनरेशन 2 का कंसीलर, ये अल्ट्रा अफोर्डेबल बहुत ही अच्छा कंसीलर है। सो ये 80-70 रुपीज़ में आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है। इसमें मेरा शेड है 4 और इसे डार्क शेड भी आते हैं, इसमें आपको 5-7 शेड्स मिल जाते हैं, तो इसी भी मैं ब्लेंडर की हेल्प से ये ब्लेंड कर लूँगी। सो ये मीडियम टू हाई कवरेज दे देता है आपको बहुत अच्छे से। अगर आप इसे ब्रश से अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छा कवरेज मिलता है, ब्लेंडर से अप्लाई करते हो तो कम कवरेज मिलता है आपको। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट लिए मैंने लिया है NYBA का कॉम्पैक्ट, इसमें है SPF 50, सो मेरे सन से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसमें मैंने ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाई अपने मेकअप की कि फेस सीरम हो गया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गया, बिकॉज की प्रोडक्ट ऐसे यूज़ किए ताकि ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। नेक्स्ट मैंने आईब्रो पेंसिल के लिए ली है फैशन कलर की आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन, सो इसमें ग्लैम की भी आती है, 20-30 रुपीज़ की इजीली आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। सो फिल इन करने के बाद एक कॉम से मैं एक स्पूली से मैं इसे कॉम कर लूँगी ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है SFR का ये 28 कलर आई शेडो पैलेट, इससे मैट ब्लू लाइट ब्लू कलर लेकर के अपनी पूरी क्रीज पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्रीज के नीचे आउटर वी और इनर वी पे भी। सो इसे मैं अपने एज अ बेस लगा रही हूँ ट्रांजिक्शन शेड। नेक्स्ट मैं स्मोकी आईज क्रिएट करूँगी तो मैंने ब्लैक कलर पिक किया है और इसे अपनी पूरी आईलेट पे प्रेस कर रही हूँ, तो पहले पूरी आईलेट पे मैं इसे लगा लूँगी, देन ब्लेंड करते करते धीरे धीरे अपनी क्रीज तक भी इसे अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही लाइट हैंड से मुझे क्रीज पर लेकर के जाना है, तो इससे बहुत ही प्यारा स्मोकी क्रिएट हो जाता है। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स है ये पैलेट बहुत अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 250 रुपीज़ तक का आपको मिलता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो इसे मैंने अपनी क्रीज पर भी अप्लाई कर लिया है। काजल के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ स्टेक और की का वाइट काजल, ही आपको 150 रुपीज़ का purple.com पर मिल जाएगा। आप चाहें तो लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट पर देखा था, लैक्मे का मुझे नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने स्टेक और का लिया है। नेक्स्ट मैंने एक पाउडर ब्रश लिया है और अपने एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है, जो भी फॉल आउट वगैरह हुआ था। नेक्स्ट अगेन मैं ये ब्राउन कलर ब्लू कलर डार्क ब्लैक कलर ऐसा कुछ शेड है ये, इसे अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ तो थोड़ा स्मोकी लुक क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ब्लश, 80 रुपीज़ का मैंने लोकल मार्केट से लिया था, इसमें मेरा शेड है 02, तो एक पाउडर ब्रश से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है ग्लैम 21 का ये हाइलाइटर, इससे अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। ये वाइन शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है और ये हाइलाइटर बहुत प्यारा है, 100 रुपीज़ का आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का हाइपरकॉलिंग वाटरप्रूफ मस्कारा, इससे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं ले रही हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैंने ली है वेड एंड वाइट की कैचविट लिपस्टिक गिव मी मो का शेड, ये न्यूट लिपस्टिक मैंने ली है। इसमें फेस हाइलाइटिंग की थी बट उसका वीडियो मुझसे डिलीट हो गया गाइस, सो
दिस इज़ माई फाइनल लुक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में एक बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियोज से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय, हैप्पी दिवाली।